नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सबके ऊपर भगवान की कृपा रही होगी और आप सब सुरक्षित और सकुशल होंगे। अभी अभी मुझे श्री अजीत जोगी जी के निधन की खबर मिली है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके मीठे और मधुर व्यवहार को हम हमेशा याद रखेंगे। मोदी जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हो जाएगा कल, और यह एक वर्ष चुनौतियों से भरा हुआ रहा और मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले 30 साल तक हम इसी प्रकार से मोदी जी की सरकार को देखते रहेंगे और भारत माता परम वैभव को प्राप्त हो, इसका हमारा जो लक्ष्य है, हमारा सपना है, उसको हम पूरा करेंगे। भारत दुनिया का एक महान शक्तिशाली और वैभवशाली देश बनेगा। ये जो सपना जनसंघ के ज़माने से आज तक हमने देखा, उसी को साकार करने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मैं आज फिर एक बात कहूँगी जिसको आप गौर से सुनिएगा और आगे भी उस पर बहुत गौर करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप उसको अपने जीवन में उतारें। मोदी जी को शक्ति भगवान ने दी, लेकिन उस शक्ति के योग्य अपने शरीर को और अपने मन को मोदी जी ने बनाया, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से अपने आप को संभाला उन्होंने। हमें शक्ति मिल जाए तो उसके योग्य हमें अपने मन को और शरीर को बनाना चाहिए, यह हमें मोदी जी से सीखना चाहिए। अब मैं आती हूँ तीसरी बात पर। अभी पूरे देश में कोरोना की इस विभीषिका में जो लोग अपने गांव में पहुंच रहे थे, उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी आज ही एक अंतरिम आदेश आया है कि उनको सकुशल उनके घर तक पहुंचाने की एक अच्छी व्यवस्था की जाए, और उसके बारे में जो माननीय कोर्ट ने कहा है वो माननीय कोर्ट की संवेदनशीलता को दर्शाता है। जो हमने झेला है कोरोना के समय पे, उसमें कुछ बहुत बुरी बातें सामने आई हैं, कुछ बहुत अच्छी बातें सामने आई हैं। हम अच्छे से शुरू करते हैं, जैसे परिवार एक दूसरे के नज़दीक आए हैं, लोगों के अंदर मानवता का भाव जागृत हुआ है, लोग किस प्रकार से भोजन के पैकेट बना करके खिला रहे हैं, मास्क बना करके लोगों को दे रहे हैं, और किस तरह से एक मानवीय पहलू है लोगों का जो सामने आया है। सरकारें सब तरह की व्यवस्था में सरकारी कर्मचारी लगे हैं, बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर शहीद हुए हैं, नर्सेस शहीद हुई हैं, पुलिस अधिकारी कर्मचारी शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए अपनी जान दी है। वो एक प्रकार से युद्ध में जैसे शहीद होते हैं, इसी तरह के युद्ध में वो शहीद हुए लोग हैं, उनके लिए भी हमारी श्रद्धांजलि है। और जो पूरे देश में जो लोग लगे हुए हैं गरीब वर्गों की सेवा में, मैं गरीब शब्द को प्रयोग करना अच्छा नहीं समझती लेकिन करना पड़ता है क्योंकि वंचित शब्द कई बार कठिन हो जाता है, उन सबका आज बहुत बहुत हमें अभिनंदन करना चाहिए। परिवार भी एक दूसरे के नज़दीक आए हैं, यह एक अच्छी बात हुई है। इसका एक दूसरा रूप भी सामने आया है, जब एक लड़की अपने साइकिल को 1200 किलोमीटर तक बिठा के ले गई, इससे उस लड़की की शक्ति समझ में आई है। और दूसरा ये विभीषिका भी समझ में आई है कि उसके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई। कल भी मैं एक देख रही थी चित्र जिसमें कि एक छोटा सा बालक अपनी मरी हुई माँ का कफन खींच रहा था, ये सोच करके कि माँ जीवित है और माँ उठती क्यों नहीं है। ऐसे हमने कई मजदूर पटरी पर रेल से कुचल गए, दुर्घटनाएं हुई हैं, ये एक दूसरा रूप सामने आया है। हम समझ रहे थे कि भारत में गरीबी दूर हो गई, हम गरीबी को दूर करना ये मान रहे थे कि लोगों को 2 टाइम की रोटी मिलने लगी और लोग भूख से मरना बंद हो गए। ये सच्चाई है कि आज से 15-20 साल पहले तक ऐसी स्थितियां थीं जब बहुत बड़ी संख्या में भूख से मरने की खबरें आती थी, बंगाल से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों से आती थी। वो खबरें अब बंद हो गई थी क्योंकि लगभग भोजन की व्यवस्था तो होने लगी थी। लेकिन अब एक नई बात समझ में आई है कि गरीबी और अमीरी का अंतराल का जो मापदंड होगा, अब वो इससे नहीं होगा कि रोटी खाने को मिलने लगी है, नहीं, इससे होगा कि हम कहाँ हैं और जिनको हम मान रहे हैं कि उनको रोटी मिलने लगी वो कहाँ हैं। हम तो एसी ड्राइंग रूम में बैठ के रामायण और महाभारत देखे हैं और वो तो पैदल चले हैं, उन्हें पानी नहीं मिला, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पैदल चले हैं, रास्ते में डिलीवरी हुई तो तत्काल पैदा हुए बच्चे को माँ गोद में लेकर के चली है। ये जो अंतराल है ये बहुत भयानक है और इस अंतराल को काटने के लिए ही शायद मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, ऐसा भारत की आत्मा ने तय किया और वो भारतीय जन समाज की आत्मा का जागरण हुआ।
क्योंकि भारत में तीन प्रकार की विचारधाराओं ने राज्य किया। एक कांग्रेस, कहीं कहीं पर वामपंथियों का केरल में और बंगाल में राज्य रहा, लंबे समय तक रहा है। भारत में भी एक बार उन्होंने गुजराल जी की और देवगौड़ा जी की सरकार में भागीदारी की थी। और दूसरा हमारा, कांग्रेस पूंजीवाद को मानती रही, कम्युनिस्ट साम्यवाद को मानते रहे, हम एकात्मवादों को एकात्म मानववाद को मानते हैं। एकात्म समाज होना चाहिए, समाज की आत्मा एक है, इसलिए सबकी ज़रूरतों को समान रूप से पूरा हमें करना चाहिए। अब अंतर कहाँ रहा, फेल क्यों हो गए और हम सफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस विदेश परस्त थी और अमीर परस्त थी, विदेशी सोच रखती थी और अमीरों के बारे में ही सोच पाती थी। साम्यवादी समाजवादी गरीबों के बारे में सोचते थे लेकिन विदेशों से सीख रहे थे, चीन से सीख रहे थे या रूस से सीख रहे थे, इसलिए गरीब परस्त तो थे लेकिन विदेश परस्त थे। और हम भारत परस्त हैं और हमें गरीब परस्त अपनी नीतियों को चलाए रखना है। भारत परस्त और गरीब परस्त होना ही एकात्म मानववाद का मार्ग है, जिससे कि ये जो हम खाई देख रहे हैं बहुत बड़ी, रामायण का एक प्रसंग है बहुत लंबा, बहुत छोटा करके आपको बताऊंगी, वाल्मीकि रामायण का, कि हनुमान जी जब लंका से लौट आए सीता जी की खबर लेके, तो वो रामचंद्र जी से कहते हैं कि भगवान जल्दी चलिए, सीता जी बहुत रो रही थी, दुखी है वहाँ। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान अपन को उपाय निकालना पड़ेगा ना ये समुद्र को पार करने का, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो हनुमान ने कहा था कि भगवान देरी मत करिएगा, क्योंकि ये जो समुद्र है खारे पानी का, इसको पार करना आसान हो जाएगा, लेकिन सीता की आंखों की आंसुओं से जो धारा बह रही है उसका जो समुद्र बनेगा उसको पार करना कठिन होगा। इसलिए हम सारी समस्याओं जो हमारे लिए हैं आज देश में रही हैं उनका हम सामना करने में सफल होंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन एक नई विकराल समस्या जो अपने पूरे विद्रूप चेहरे के साथ हमारे सामने आ गई है, वो आ गई है बहुत बड़ी संख्या में, आज भी भले ही उन्हें रोटी मिल रही हो लेकिन वो जीवन के जो अन्य मानवाधिकार होते हैं उनसे वो पूरी तरह से वंचित हैं। और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वास्तविकता हमारे सामने उजागर हो गई है और अब वो लोग अपने गांव में पहुंच रहे हैं। तो जब अपने गांव में पहुंच रहे हैं तो उनको गांव में ही रहने के लिए रोटी और रोजगार की व्यवस्था के लिए ही मैंने पंचश की बात कही थी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी भगवान की दया से, उस समय पर मैंने पहले ही कहा था कि जन जमीन जल जंगल और जानवर ये हमारे राज्य की व्यापक आर्थिक व्यवस्था के आधार बनेंगे, रोजगार के आधार बनेंगे। जन को तीन चीज़ें देनी होंगी, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार। जमीन को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, सिंचित और असिंचित। प्रयास करना होगा कि असिंचित सिंचित की ओर बढ़े, लेकिन उसके पहले भी असिंचित भूमि में क्या क्या उगाया जा सकता है इसमें हम इसराइल जैसे देशों को भी अपना गुरु मान लें ताकि कम जमीन में भी ज़्यादा उत्पादन हम कर सकें। तो इस तरह से जन जमीन जल, हमारे यहाँ पर पूरा जल जो है वो वाटर रिसोर्स कितना है हम उसको आंक लें और उसको हम लोगों के घरों तक और लोगों के खेतों तक कैसे पहुँचा सकें और हम बरसे हुए पानी को कैसे रोक सकें, हम जंगलों में भी किस प्रकार से आसानी से बरसे हुए पानी को रोक सकें, इसके लिए हम इसमें भी किस प्रकार से रोजगार निकल सकें। जन जमीन जल और जंगल, हमारा फॉरेस्ट रिजर्व भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर कि वनस्पति औषधियाँ भी हो सकती हैं, हो रही हैं, डिंडोरी है, शहडोल है, मंडला है, इधर जाबुआ है, और वहाँ पर वाटर रिजर्व भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसलिए इस फॉरेस्ट रिजर्व का हम किस किस प्रकार से उपयोग करें, जिसमें कि हम पुरानी वनस्पतियाँ पुराने पेड़ कैसे वो अपना पानी रोक सकें अपने पास में और कैसे हम उससे उन वर्गों के लिए रोजगार निकाल सकें जो कि वहीं पर रहते हैं और उनको उनके साथ में जोड़ा जाए। जन जमीन जल जंगल और जानवर, जानवर यानी पशुधन। पशुधन में गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। गाय बोझ ना बने, गाय के लिए गौचर हों, नए गौचरों का निर्माण किया जाए, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था का निर्माण किया जाए। हुआ क्या कि सरकार बनाने से पहले मैं बहुत घूमी मध्य प्रदेश में, पहले रोड से घूमी एक डेढ़ साल, भले ही मैं केंद्र में मंत्री थी लेकिन चूंकि मुझे अटल जी आडवाणी जी ने इशारा कर दिया था कि अब तुम्हें जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, तो मैं घूमने लगी तो मुझे रोड से समझ में आ गया। फिर पैदल भी चली, कई जगहों पर पदयात्राएँ भी की थी, आपको याद होगा 2002 से ही हम शुरू हो गए थे। और फिर उसके बाद में हेलीकॉप्टर से एक साल मुझे हेलीकॉप्टर दिया पार्टी ने इधर से उधर पहुँचने के लिए,
तो उस समय पर मैंने, आप एक समझ लीजिए कि जल से थल से नभ से मैंने देखा, और फिर इसकी एक परिकल्पना बनी है, जैसा मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि केदारनाथ जी में गांधी जी की अनुभूति के बाद और दीनदयाल जी तो हमारे प्रेरक प्रेरक तत्व थे ही, मेरे मन में ये बात आ गई कि हम भारत परस्त लेकिन गरीब परस्त आर्थिक नीतियों को अपनाएंगे और इससे हम एक नए प्रकार के समाज की और देश की रचना करेंगे, राज्य की रचना करेंगे। और इतने में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो मुझे लगा जैसे वह बात सच में साकार होने की स्थिति में आ गई हो, क्योंकि मोदी जी ने उसी रास्ते को पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच में अभी कोरोना आ गया है। इस कोरोना में जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इसमें मेरा आप लोगों से फिर आग्रह है कि ये जो पैदल चल रहे हैं ये भगवान हैं, और ये जो पसीना इनका बह रहा है ये समझ लीजिए शंकर जी हैं, और ये इनका पसीना गंगा जल है, और उससे ये जैसे शिव जी के माथे पर गंगा होती है इनके माथे पर पसीना है। आप याद रखिएगा, शिव जी को ये विशेषता थी कि वो वरदान दे देते थे। रावण को सोने की लंका मिल गई, भस्मासुर को वरदान दे दिया, और खुद वो शमशान घाट में रहते थे। इन लोगों की भी यही हालत है, इनने हमारे घर बनाए हैं, इनने रोड बनाए हैं, ये जो बड़ी बड़े सरकारी बिल्डिंग बनी है वो इनने बनाई हैं, और इनकी हालत ये है कि ये पैदल चले जा रहे हैं और हम बड़े आराम से बैठे हुए हैं। बस आपको यही याद रखना है कि शंकर जी रावण को सोने की लंका का वरदान दे दिए और अपने भक्तों को वरदान दे दिए, राम को भी वरदान दिया रावण को मारने का, लेकिन खुद वो हमेशा शमशान घाट में रहे, बैल पे बैठे, सांप गले में और भस्म लगाई श्रृंगार के रूप में, सुंदरता के रूप में। लेकिन वही शंकर जब नाराज होकर के तांडव करते हैं तो तीनों लोग कांपने लग जाते हैं। इसलिए हमें इन्हें भगवान का रूप मान करके, मैं फिर एक बार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, विधायकों ने, सांसदों ने, लेकिन मैं फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहूंगी कि ये अवसर आ गया है सेवा का, और इसलिए इसमें आप अपने उस भाव को जागृत करिए, जो जहाँ जितना हो सके इन वर्गों को भगवान का रूप समझ करके इनका ध्यान रखिए। इसी कोरोना में एक नई बात सामने आई है जो कि रिकॉर्ड में भी आ गई, रिकॉर्डिंग भी हो गई है, कि गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी सब साफ दिखने लगी हैं। अब बताइए वो साफ क्यों दिखने लगी। मैं गंगा के अभियान में जुड़ी हुई थी, एक प्रकार से मैं कह सकती हूँ गंगा ने ही मुझे पकड़ा था कि मेरे साथ जुड़ो, मुझे जोड़ा था 2010 से, और मैं यही बात कह रही थी कि गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए समाज का सहकार लेना पड़ेगा, और इसलिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा ये पिछले साल 2019 का, क्योंकि मैंने मंत्री पद, सांसद बनना ये सबसे बड़ी बात मानी। गंगा की धारा अविरल और निर्मल बहे, यमुना की धारा अविरल और निर्मल बहे, और गंगा एक मॉडल के तौर पर पहले तैयार हो जावे, और इसलिए मुझे लगा कि इसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अब गंगा साफ क्यों दिख रही है, क्योंकि इंडस्ट्री का केमिकल जाना बंद है, अन्य प्रकार की गंदगी जाना बंद है, उसी का ये परिणाम निकला है। इससे ये साफ हो गया ना कि हम लोगों ने अपनी गलतियों से गंगा को, यमुना को, नर्मदा को, अन्य सभी नदियों को मैला किया हुआ था। ये पाप हमने लगभग 100-150 वर्ष पहले शुरू किया, उसके पहले हम नदियों के साथ ऐसी छेड़खानी नहीं करते थे। और अब मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि मेरे गंगा अभियान का क्या हुआ। आपको मैंने बता ही दिया था 17 तारीख को फ्रैक्चर हो गया था, दो फ्रैक्चर हुए थे बाएं पांव के पंजे में, और मेरे प्लास्टर ही चढ़ा था कि मेरे गुरुदेव, जिनका चित्र आप देख रहे हैं, 90 वर्ष के थे, यह बहुत गंभीर रूप से अस्वस्थ हुए। तो मैं तुरंत प्लास्टर चढ़े हुए ही मैं पहुंच गई थी उड़ीपी कर्नाटक, मेरे गुरुजी उड़ीपी कर्नाटक के महापीठाधीश्वर थे विश्वेशतीर्थ जी महाराज, उनका शरीर छूट गया 30 तारीख को, और उनकी समाधि को प्रणाम करके 90 वर्ष की आयु में उनका शरीर छूटा, और जिस तरह से भगवान नाम और विष्णु सहस्र नाम के बीच में उनका शरीर छूटा, तो मृत्यु भी एक उत्सव हो सकता है, ये मैंने वहाँ साक्षात देखा उड़ीपी में। इसके बाद में मैं यहाँ भोपाल आ गई, मेरा प्लास्टर कटा, फिर मेरे करीब 1.5 महीने फिजियोथेरेपी होनी थी, और फिर मुझे पुनः पद यात्रा प्रारंभ करनी थी कि यहाँ लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में मैं अब यहीं पर हूँ। मैं सोच रही थी कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो हम चले जाएंगे और निकल पड़ेंगे यात्रा पर आषाढ़ मास से ही फिर से, और मेरा इरादा था कि हम शायद 2021 फरवरी तक फिर से उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन अब स्थितियाँ सामने हैं, मैं देख रही हूँ जैसा भी होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मैं लोग मुझे, मैंने पहले आपको कई बार अपने भाषणों में भी कहा, जब मैंने चुनाव प्रचार कर रही थी यहाँ लोकसभा और विधानसभा में, और वैसे भी कहा कि मुझे कई बार लगता है, मुझे कई लोगों ने कहा भी आपको क्या हो गया है, आप सांसद नहीं बनना चाहती, आप मंत्री नहीं बनना चाहती, आप सिर्फ गंगा के काम में रहना चाहती हैं। मैंने कहा मैंने 1.5 साल का समय मांगा, और मुझे बड़ी प्रसन्नता के साथ संगठन ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, मेरा बहुत सम्मान रखा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि गंगा राष्ट्र की पहचान है, गंगा राष्ट्र की आत्मा है। बल्कि जो भगवान राम के भक्त हैं उनको भी मैं बताऊंगी,
कि कौशल्या जी ने सीता जी को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा था, अचल रहे यही बात तुम्हारा जब लग गंग जमन जलधारा, जब तक गंगा और जमुना की धारा रहेगी तब तक तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे। तो हम राम मंदिर बना रहे हैं, उस आंदोलन में भी मेरी भागीदारी की ही है, लेकिन राम का नाम भी तभी तक रहेगा जब तक गंगा की धारा रहेगी। और जिस प्रकार से कोरोना के समय पर गंगा की निर्मलता की बातें सामने आई हैं, इसका मतलब इंडस्ट्री से गंगा गंदी हो रही थी, अन्य कारणों से जनसमाज की गलती कुछ गलतियों से गंगा गंदी हो रही थी, और आज वो चीज़ें बंद हो गई तो गंगा बिल्कुल साफ दिखने लगी। अब हमें गंगा को अविरल और निर्मल बनाए रखने का इसी प्रकार का जो मार्ग है उसको हमें अपनाए रहना चाहिए। मैं संगठन जो व्यवस्था मुझे दे रहा है मैं उसके अनुसार काम कर रही हूँ, और आगे अब क्या स्थिति बनेगी वो मुझे नहीं अनुमान है, लेकिन गंगा को मैंने हमेशा एक बात कही है, क्योंकि मैं मानती हूँ हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, तो ये देश का नाम पहचान ही गंगा से है। तो जो काम मैं कर सकूंगी गंगा के लिए वो मैं हमेशा करती रहूंगी, और एक आस्थावान हिंदू होने के नाते नहीं, बल्कि गंगा के ऊपर 50 करोड़ लोगों की आजीविका है, और ये जो गरीब लोग अब गांव में पहुंच रहे हैं, मजदूर वर्ग जो पहुंच रहा है, ये गरीब नहीं है, मैं फिर कहूंगी इनका पसीना कोहिनूर हीरे से ज़्यादा चमक रखता है, लेकिन ये लोग अब जो पहुंच रहे हैं इनके लिए गंगा यमुना नर्मदा यही तो इनके रोजगार की हेतु बनेंगी, जन जमीन जल जंगल और जानवर यही इनके रोजगार के हेतु बनेंगे, और उसमें आधुनिक प्रणाली का मेल होगा, नए और पुराने के मेल से नए प्रकार के एक जीवन का इसमें से निर्माण होगा। जब हम कोरोना की विभीषिका से निकलेंगे विभीषिका से, तो नए और प्रकार के मेल से एक नए प्रकार के जीवन का निर्माण होगा, और सबसे बड़ी बात होगी कि इसमें समाज की बहुत बड़ी भागीदारी होगी। इस बीच में यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, एक सरकार गई, वो जैसी बनी थी तो लोग प्रसन्न तो थे ही नहीं, अब मुझे पूरा यकीन है कि शिवराज जी जैसे तपस्वी व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब राज्य की जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वो पटरी पर लौटेंगी। हमने लोगों को सड़क बिजली पानी और रोजगार के वायदे किए थे, मुझे लग रहा है कि अब वो चीज़ें वापस लौटेंगी। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें अभी जिस पर हमें ध्यान देना है वो ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी प्राथमिकता में रहें। हमारे यहाँ पर एक शिवराज जी ने बहुत अच्छा प्रयोग किया था, वो भूटान में रहा है कि भूटान की राज्य व्यवस्था इसका ध्यान रखती है कि लोगों की प्रसन्नता बनी रहे, लोग खुश रहें, तो खुश रहने के लिए वो कुछ राज्य व्यवस्था में प्रशासन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में सब चीज़ों में कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आदमी जो खुश होता है वो दो तीन चीज़ों से खुश होता है, एक तो उसको चिंता न लगती हो, उसके मन में आशंका और भय ना हो। आशंका और भय जो है वो दुख का निर्माण करते हैं। आशंका क्या क्या है, हमारे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, हमारे बच्चों के रोजगार का क्या होगा। भय क्या है कि अगर नहीं हो पाया तो ये आगे कैसे अपना जीवन चलाएंगे। अस्पताल में लोग जाते हैं तो दवाइयाँ ठीक से नहीं मिलती हैं, थाने में जाते हैं तो कई बार FIR ठीक से दर्ज नहीं होती। इसलिए आपको याद होगा मैंने कहा था कि राम मंदिर तो देखिए फैसला हो गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसको सबने बड़े सम्मान के साथ में स्वीकार किया, और एक भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारी हो गई है, और ये देश ने दिखा दिया कि ये देश सर्वधर्म संभाव में आस्था रखता है, हिंदू मुसलमान सब सर्वधर्म संभाव में आस्था रखते हैं। इसके लिए तो अभिनंदन होना चाहिए उस समय जो जिस प्रकार देश ने इसको स्वीकार किया था इस निर्णय को। लेकिन अब हमें राम मंदिर से राम राज्य की ओर जाना है। अब राम राज्य क्या है, मैं जब छोटी थी तो मैंने देखा था ढांचे के अंदर मंदिर बना हुआ था, वहाँ रामलला बैठे थे, तो मैंने वहाँ जो लोग ले गए थे मुझे प्रवचन कराने, आपको पता है ना मैं 6 साल की उम्र से प्रवचन करती हूँ, कथा नहीं प्रवचन, 45 मिनट का उपदेश, पहले भारत में हुआ फिर विदेश में हुआ फिर राजनीति की राजमाता सिंधिया जी के कहने पे। तो वहाँ मैंने रामलला जी को जब ताला लगा देखा तब लोगों ने मुझे पूरा बताया, वहाँ भी मुझे प्रवचन के लिए ले गए थे वहाँ के संत लोग अयोध्या जी में, तो मुझे बड़ा मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसी प्रकार से गांव में भी मैंने देखा कि हमारे गांव में एक बार कलेक्टर और SP का दौरा हुआ जब मैं बहुत छोटी थी, तो हमारे पूरे गांव के समाजों के जो मुखिया थे वो अपने साफे उतार उतार के रख दिए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और हमारे घर के सामने ही बरगद का पेड़ है उसमें दो कुर्सियाँ पड़ी थी उस पर दोनों बैठे हुए थे कलेक्टर SP, और हमारे गाँव के लोग उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। तो मुझे दोनों बातें गलत लगीं, वहाँ पर जो बहुसंख्यक समाज है वो अपने आराध्य की जन्मभूमि पर मत्था नहीं टेक सकता, ये भी मुझे अन्याय लगा, और यही यहाँ मुझे अन्याय लगा कि जो व्यवस्था इन गरीबों की सेवा के लिए है वो व्यवस्था हाथ जोड़ के खड़ी है इनके सामने, और ये राजा और भगवान की तरह बैठे हुए हैं। इसलिए तभी से मेरे दिल में दो बैठने बैठ गई थी कि जहाँ ताला लगा है राम मंदिर में वहाँ एक भव्य राम मंदिर का निर्माण मुझे देखना है, और ये जो मैंने अपने गाँव में बरगद के पेड़ के नीचे देखा है इसको भी मुझे पलटना है। जब गाँव का आदमी कुर्सी पर बैठा होगा
और कलेक्टर और एसपी उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे राम मंदिर से राम राज्य की ओर, यानी कि सारी व्यवस्था हाथ जोड़ करके वंचित वर्गों के सामने खड़ी हो जाए, भारतीय समाज के नागरिकों के सामने खड़ी हो जाए और उनसे पूछे कि बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये है राम मंदिर से राम राज्य की ओर आना। इसमें ही कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें कि अभी जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो मुझे उन पर बहुत उनके प्रति वो भी रहता है, क्योंकि भाई हैं मेरे और मैं उनको देखती हूँ कि तपस्या परिश्रम ही उनका संघर्ष का आधार रहा। वो बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, वो कभी आराम से नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको केन बेतवा का स्मरण कराया, क्योंकि केन बेतवा एक ऐसा लिंक था जिसकी सारी तैयारियां हो गई हैं। आपको याद होगा कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब मैं उनको भी मिलने के लिए गई थी केन बेतवा के बारे में, क्योंकि मुझे नितिन गडकरी जी ने कहा, यद्यपि मैं जल संसाधन मंत्री नहीं रही थी लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने कहा, तो मैं कमलनाथ जी को भी मिली और मैंने कहा आप बताइए अड़चन कहाँ है, क्योंकि मंजूरियों की तो हम सारी स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, तो अब और 100% ये नेशनल प्रोजेक्ट मान लिया गया है। फिर उसके बाद जब माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो मैंने शिवराज जी से भी बात की इस संबंध में, उन्होंने मुझे कहा है और एक बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया, वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, वो पहले भी करते थे अभी भी करते हैं, उनमें सत्ता उनको रहे या ना रहे वो एक समान रहते हैं, तो विनम्र और शालीन। तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी हम पंचस की भी फाइल निकलवाते हैं कि कब कब रुक गया था, ये 2005 में ही रुक गया था, और उन्होंने कहा कि केन बेतवा के बारे में भी जैसे ये कोरोना का थोड़ा हटेगा तो फिर बात चलेगी, और केन बेतवा लिंक आ जाने से 6 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी जिसमें 4 लाख होगी मध्य प्रदेश की और 2 लाख होगी उत्तर प्रदेश की, लेकिन इससे एक क्रांति खड़ी होगी रोजगारों की, जो मुख्य मेरा विचार था केन बेतवा को लाने के पीछे वो यही था। और ये दुनिया का पहला नया रिवर इंटरलिंकिंग होगा पहला, क्योंकि हमने हमारे पास में एक बहुत बड़ी लिस्ट थी लेकिन जिसमें केन बेतवा बिल्कुल तैयार था, क्योंकि जब मैं पहले मुख्यमंत्री थी तब मुलायम सिंह जी उधर थे और तब हमारी उनसे बात हो गई थी और सुरेश प्रभु जी अध्यक्ष थे रिवर इंटरलिंकिंग समिति के, तो मैंने उनको यहाँ बुलाया था और तभी ये बात तय हुई थी। तो इस तरह से अब मुझे लग रहा है कि जब हम इस विभीषिका से बाहर निकल करके आ जाएंगे तो पंचस के बारे में भी बात चलेगी, गंगा जी की निर्मलता और विरलता जिस प्रकार से हो गई है ये आगे भी बनी रहे, ये सबकी समझ में आ गया है, समाज को अपनी जिम्मेवारी समझ में आ गई है। जो माननीय मोदी जी हमेशा बोले कि जब तक समाज अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगा ये समाज से चल पाएंगे, और ये सच्चाई है, सड़क है, बिजली है, पानी है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन, ये 5 चीज़ें देना सरकार का काम है, सड़क, बिजली, पानी, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार मुक्त शासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, ये 5 चीज़ें देना सरकार की जिम्मेवारी है, बाकी तो समाज भी जब आगे चलेगा, जैसे कि स्वच्छता अभियान में हुआ, स्वच्छता अभियान में क्या हुआ, समाज ने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के भागीदारी की। मैं बाद में जब स्वच्छता मंत्री बनी तो जिन राज्यों जो राज्य पिछड़ गए थे, बहुत पिछड़े हुए थे 2017 तक, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हमारी सरकारें 17 में ही बनी और हमने उन मुख्यमंत्रियों के साथ मेल कर करके अंत में हम उनको भी 100% तक ले आने की स्थिति में ले आए थे। उत्तराखंड पहला राज्य था जो पूरी तरह से स्वच्छ राज्य हो गया था, मतलब पूरा 100% ODF हो गया था, इसके लिए हमने वहाँ के मुख्यमंत्री का अभिनंदन। अब देखिए मोदी जी ने एक आवाज़ लगाई स्वच्छ भारत अभियान के लिए, हाथ में झाड़ू लिया और पूरा देश उनके साथ हो गया। इसी प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नदियों को ठीक रखना, रोटी और रोजगारों की व्यवस्था हो, गौ का संवर्धन हो, साथ ही साथ में जो समाज में ये जो लोग अब वापस पहुंच रहे हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अब ये लौट के ना जाने पावे, किस प्रकार से इनके लिए स्थायी रोजगारों का वहाँ पर ही निर्माण हो जावे। इसमें जो पंच हैं, सरपंच हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये मिल करके अब उनके साथ में बैठ करके बातचीत करें और उनको वहीं पर रोकने के उपाय निकालें और उनको मजदूर की श्रेणी से निकाल करके वो स्वरोजगार के जरिए अपने पाँव पर कैसे खड़े हो सकें, वो कैसे मालिक की भूमिका में आ जावें। ये स्थिति का निर्माण अगर हम ठीक से कर सके संकल्पबद्ध होकर के, तो मुझे लगता है कि कोरोना यद्यपि हमारे लिए दुखदाई रहा, इसमें बहुत सारे कोरोना के जो सैनिक थे, जिनको हम सैनिक कहेंगे, वॉरियर्स जिनको हम कह रहे हैं, वो शहीद हुए हैं और बहुत सारे लोग इसमें मृत्यु के मुँह में गए हैं, बहुत सारे लोग अभी भी जीवन के संकट से जूझ रहे हैं। एक प्रकार से कोरोना एक बहुत बड़े संकट का कारण बना और अर्थव्यवस्था का तो ऐसा भट्टा बैठा, लेकिन मुझे फिर विश्वास है
कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज मैं आज आपको एक बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगी। गंगा जी के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बता ही दिया, ये कुछ नई बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी। और मैं अंत में आपको एक बात कह दूं, आप देखिएगा जो मैं कह रही हूं कि दुनिया में अमेरिका बहुत धनी है, हमसे बहुत धनी है, हम उसके बराबरी नहीं कर सकते थे। उसकी सुविधाएं हैं, उनकी आबादी कम है, उनकी ज़मीन ज़्यादा है, उनकी आबादी कम है, उनकी इनकम ज़्यादा है, उनकी आबादी कम है, उनकी व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, यानी आबादी के अनुपात में उनकी व्यवस्थाएं और आबादी के अनुपात में हमारी व्यवस्थाओं, बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन मैं आज आपको बोल रही हूँ कि हमारे पास एक चीज़ है, वो है हमारा आत्मबल, वो है हमारा मनोबल, वो है हमारा परिश्रम का बल, हमारी भुजाओं का बल। और आप देखिएगा जैसी अर्थव्यवस्था हमारी रसातल में गई अभी, और हम जिस तरह से उठ करके खड़े होंगे, जैसे खम्भे को फाड़ के नरसिंह अवतार हुआ था, वैसा शायद ही कोई देश हमारी बराबरी पर आकर के खड़ा हो सके। ऐसा मुझे मोदी जी में यकीन है, ऐसा मुझे इस देश के शासन और प्रशासन में यकीन है, ऐसा मुझे इस देश की सेनाओं में और श्रमिकों में यकीन है, ऐसा मुझे इस देश की नदियों पर, जंगलों पर, यहाँ के वनस्पतियों पर यकीन है। ऐसा मुझे विश्वास है कि हमारे पास में वो आधार हैं और हमारे पास में वो नेतृत्व है जिसमें कि हम जिस तरह से फिर से खड़े होंगे उसको भी दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत इस बात के लिए शुभकामनाएं देती हूँ, भगवान से प्रार्थना करूँगी। मेरी इच्छा थी कि मैं उत्तराखंड चली जाऊँ, लेकिन वहाँ पर मेरे को सबने कहा कि दीदी आप आ जाइए, गुप्तकाशी तक आ जाइए, केदारनाथ जी पहुँचना नहीं हो पाएगा। गुप्तकाशी तक की तो अनुमति मिलने की स्थिति बन गई थी, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि यहीं मेरे केदारनाथ हैं, जो सड़कों पर चल रहे हैं ना, यही केदारनाथ हैं। वो तो पाषाण के केदारनाथ हैं, तो साक्षात केदारनाथ हैं, और इसलिए इनकी सेवा जितनी संभव हो सके मैं भी करूँ, आप सभी लोग भी करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक कविता सुना के अपनी बात ख़त्म करूँगी। अब उस कविता का देखो कोई बुरा मत मानना प्लीज़, क्योंकि मैंने फेसबुक लाइव को इसलिए पकड़ा कि नया मीडियम है ना, मुझे ठीक से इसका अभी भी समझ में नहीं आता क्या कैसे बात करना, लेकिन मैंने शायद मैं सफल रही होंगी इसमें। और वो एक कविता मैं आपको सुनाऊंगी। पंडित तू बोला था भगवान बदल जाएगा, मुल्ला तू बोला था कि रहमान बदल जाएगा, अब भी अवसर है समझा ले, वरना तेरे ईश्वर अल्लाह को भूखा इंसान निगल जाएगा। और इसलिए अभी हमको, जैसा विवेकानंद ने कहा था कि राष्ट्र हमारा देवता है, हम इसकी पूजा करें, राष्ट्र एक मंदिर है, हम इस मंदिर की पूजा करें, और इसके अंदर जो निवासी हैं, जो अपने जीवन की सुविधाओं से वंचित हैं, उनको हम भगवान माने, राष्ट्र को हम मंदिर माने, और उसमें रहने वाला वो वर्ग, वो स्त्री और पुरुष जो जीवन की सुविधाओं से वंचित थे, उनको हम भगवान माने, और उनको जीवन की सुविधाएं प्रदान करना, यही हम भगवान की आराधना माने। मुझे लगता है यही दीनदयाल जी ने कहा, यही विवेकानंद जी ने कहा, इसी मार्ग पर हम आगे चलें। और बिल्कुल सही समय पर हमारे देश में नेतृत्व आ गया, और बिल्कुल सही समय पर मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना करूं कि आप सभी लोग सकुशल रहें। अब शायद हम बहुत लंबे समय के बाद मिलेंगे, मुझे गंगा जी के बारे में बताना था इसलिए मैंने आज आपसे बात की। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।